1984 के दिल्ली सिख कतलेआम के आरोपी जगदीश टाइटलर नूं कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस कमेटी च स्थाई जगह दे के उसनूं पार्टी विच वड्डी जिम्मेवारी सौंपी है, जिस नूं लैके विवाद भी छिड़ गया। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रहे मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं सख्त स्टैंड लई भी वंगारिया ते नाल ही गांधी परिवार नूं भी संदेश दिता। सुनो की बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। जगदीश टाइटलर जो कि 1984 के कातलों का सरगना है, जिसने CBI वालों कांग्रेस के राज अंदर क्लीन चिट दवा दी गई सी और उस केस नूं फिर मैं वापस सुरजीत किया, जीवित किया दिल्ली कमेटी वालों एक पटीशन पा के, और हुण 17 नवंबर वो अंदर तारीख से जिस जज साहब ने कहा कि CBI ये अंदर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। ये समझते हुए कि CBI ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर देनी है और वो चलते कमलनाथ के नाल नाल जगदीश टाइटलर अंदर जा सकता है और कांग्रेस को पता है कि साड़ियाँ मुकशलों वधनगियां, गांधी परिवार का नाम लेगा, वह भी जेल च जाएंगे। अज ये गांधी परिवार दोबारा तो जगदीश टाइटलर ना खड़ा हो गया और उसनों कांग्रेस का एक वड्डे लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैनू दुख तो अफसोस इस गल का है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे लोग जिन्होंने सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख के कहा कि चरित्र का पतन उदों हुंदा है जदों इंसान समझौते कर लेंदा है। सिद्धू साहब, समझौता तो यह आ जदों 1984 के कातलों के नूं लैके तुसी चुप कर जाओ और पीड़ितों के नाल खड़े होने की बजाय कांग्रेस के कातलों नाल खड़े हो, चरित्र का पतन उदों हुंदा है। और प्रियंका गांधी जी नूं मैं कहना चाहुंदा है, जदों कुलदीप सिंगर का मसला सी तुसी कहा सीगा जदों ऐसे कातलों नूं राजसी संरक्षण दिता जांदा है तो फिर उन्हां विक्टिम्स नूं कभी इंसाफ नहीं मिलता। मैं तुम्हें याद करना चाहना है 1984 के पीड़ितों क्यों इंसाफ नहीं मिले कि तुम इन्हों कातलों राजसी संरक्षण दिता है, पर असं पिछे नहीं हटाएंगे। जितना सज्जन कुमार जेल छड़ के आए हैं, टाइटलर भी दोबारा जेल छड़ के आवेंगे और गांधी परिवार का नाम लेगा और गांधी परिवार को जेल च जाना पेगा। जगदीश टाइटलर जो कि 1984 के कातलों का सरगना है, जिसने CBI वालों कांग्रेस के राज अंदर क्लीन चिट दवा दी गई सी और उस केस नूं फिर मैं वापस सुरजीत किया, जीवित किया दिल्ली कमेटी वालों एक पटीशन पा के, और हुण 17 नवंबर वो अंदर तारीख से जिस जज साहब ने कहा कि CBI ये अंदर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। ये समझते हुए कि CBI ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर देनी है और वो चलते कमलनाथ के नाल नाल जगदीश टाइटलर अंदर जा सकता है और कांग्रेस को पता है कि साड़ियाँ मुकशलों वधनगियां, गांधी परिवार का नाम लेगा, वह भी जेल च जाएंगे। अजय गांधी परिवार दोबारा तो जगदीश टाइटलर ना खड़ा हो गया और उसनों कांग्रेस का एक वड्डे लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैनू दुख तो अफसोस इस गल का है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे लोग जिन्होंने सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख के कहा कि चरित्र का पतन उदों हुंदा है जदों इंसान समझौते कर लेंदा है। सिद्धू साहब, समझौता तो यह आ जदों 1984 के कातलों के नूं लैके तुसी चुप कर जाओ और पीड़ितों के नाल खड़े होने की बजाय कांग्रेस के कातलों नाल खड़े हो, चरित्र का पतन उदों हुंदा है। और प्रियंका गांधी जी नूं मैं कहना चाहुंदा है, जदों कुलदीप सिंगर का मसला सी तुसी कहा सीगा जदों ऐसे कातलों नूं राजसी संरक्षण दिता जांदा है तो फिर उन्हां विक्टिम्स नूं कभी इंसाफ नहीं मिलता। मैं तुम्हें याद करना चाहना है 1984 के पीड़ितों क्यों इंसाफ नहीं मिले कि तुम इन्हों कातलों राजसी संरक्षण दिता है, पर असं पिछे नहीं हटाएंगे। जितना सज्जन कुमार जेल छड़ के आए हैं, टाइटलर भी दोबारा जेल छड़ के आवेंगे और गांधी परिवार का नाम लेगा और गांधी परिवार को जेल च जाना पेगा। कांग्रेस में जगदीश टाइटलर मिली इस नवी जिम्मेवारी ने नवा सियासी विवाद छेड़ दिता है तो हुण वेखना यह होगा कि सियासी विवाद कितों तक पकदा है। दिल्ली तो कमल कांसल की रिपोर्ट, दर्शन TV।